विजिट की है। दरभंगा में पहले तो कैसा लगा आपको दरभंगा? अच्छी सिटी है सर, जैसा सोचा था वैसा नहीं है, जैसा बोलते हैं बिहार के बारे में वैसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, खाली लोग बाहर बिहार को बहुत बदनाम किए हुए हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं असर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल असर के आशियाने में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूं और इंतज़ार कर रहा हूं अपने एक दोस्त का जो कि अभी आने वाला है, और उसके साथ मैं जाऊंगा अभी सिटी, और सिटी में मुझे काम है। कुछ देर में वो आएगा, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अभी बाहर रोड पर खड़ा हुआ हूँ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, और मुझे वहाँ सिटी में जाना है एक नाका नंबर 6 के पास, जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल है, DMCH है, दरभंगा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मुझे वहीं पे जाना है, वहाँ पे मुझे कुछ काम है कि कुछ लोगों से मुझे मिलना है और भी बहुत सारा कुछ करना है। तो आज बहुत सारी मस्ती होने वाली है सिटी के अंदर। तो लीजिए, हमारा दोस्त भी आ चुका है, पीछे खड़ा हुआ है, आज देख ही पा रहे हैं। तो ये है मेरे दोस्त का नाम फैयाज। इससे पहले आप किसी ब्लॉग में नहीं देखे होंगे हमारे, लेकिन आप से देखेंगे। ये है फैयाज जो कि हमारे ही गांव का है, और अभी इसी की बारे में बातें कर रहे थे, वो पहुंच चुका है। और फैयाज क्या हाल है? कब चले? हाय हेलो बोल दो भाई। हेलो भाई, चलो फिर निकला जाए। तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं और हम लोग घर से निकल चुके हैं, अभी तेलियापुर आने वाला है, और यहाँ से करीब 25 से 30 मिनट लगेगा मुझे यहाँ के सिटी पहुँचने में। तो काफ़ी ठंडी हवा है, ठंडी भी काफ़ी है, कानों में ज़्यादा हवा है, ठंडी पड़ रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। गाइज, ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के छत पे मुझे जाना है, जो कि न्यू हॉस्पिटल बन रहा है DMCH का। और मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसके छत पे जाके कि न्यू हॉस्पिटल बनने के वक्त कितनी सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसके छत पे लगती है, वो सारी इक्विपमेंट आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइज, अभी हम जहाँ पर मुझे आना था वहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और ये है अभी DMCH का नया बिल्डिंग बन रहा है, मैं अभी उसके जस्ट ऊपर में हूँ। और पीछे जो हमारे आप देख पा रहे होंगे ये सोलर प्लेट है, अभी ऊपर साइड आपको वो काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए, इसलिए ये गंदा आपको दिख रहा है, लेकिन ये साफ़ करने से पूरा सोलर प्लेट है। टोटल यहाँ से वहाँ तक आप देख पा रहे होंगे पूरा सोलर प्लेट है, जो कि अभी चालू नहीं हुआ है, इसका काम चल रहा है। तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ वो आपको बता दूँ, यहाँ पर एक कंपनी है उसके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर कुछ काम था, अब यहाँ पे आके विज़िट किया हूँ मैं और देख रहा हूँ क्या सब काम है, और फिर अभी जाके फिर ऑफिस में जाके बात करना है। अभी बात नहीं हुई है, यहाँ के जो इंजीनियर है उनसे अभी बात नहीं हुई है, फिर बात करेंगे। और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे कोई प्लेस पर आया हूँ जो फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे। आप दिखाओ हमारे दर्शकों को चारों साइड, ये जितना भी प्लेट दिख रहा है सब के सब सोलर प्लेट है। ये है टोटल का टोटल सोलर प्लेट, क्योंकि अब सोलर का ज़माना आ गया है, क्योंकि अब जहाँ भी अभी काम हो रहा है सब के सब बिल्डिंग में सोलर प्लेट लग रहे हैं। तो ये भी अभी DMCH का नया बिल्डिंग है जो कि एम्स बनने वाला है, उसके एम्स का ये नया बिल्डिंग है जो कि अभी इसमें काम चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वैसे रेडी होगी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। आप देख पा रहे हैं टोटल ये कितने सारे सोलर लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं और क्या क्या काम है यहाँ पे।
ये देख रहे हैं नीचे मोटर लगा हुआ है और ये पूरा टच किया हुआ है, तो इसका काम है एक्चुअली ये जो पूरे बिल्डिंग में एसी का सप्लाई होता है इसी टक्टिंग के जरिए सप्लाई होता है। यहाँ पे मोटर है, मोटर के जरिए ये काम करता है, फ्रेश एयर अंदर जाता है और काफ़ी सारा लगा हुआ है यहाँ पे। एक दो तीन तीन मोटर टक्टिंग है, अब मैं अंदर आ चुका हूं और ये आप जो दिख रहे हैं ये अभिषेक भाई हैं। अभिषेक भाई, ये जो अभी सोलर का यहां पे काम हो रहा है ये अभिषेक भाई कर रहे हैं और जो कि जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप कब आए यहां पे भाई? करीब 7-8 दिन पहले। अच्छा, 7 दिन पहले हो गया आपको आए हुए। पिछले 1 वीक से यहां पे काम कर रहे हैं ये अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, आप क्या करना चाहेंगे अपने काम के बारे में? क्या है, कुछ टफ काम है या फिर इजी आपको लगता है? कैसा लगता है? काम कोई टफ नहीं होता है, काम करने में डिपेंड करता है कि कौन कैसा हुआ है। काम तो कोई भी टफ नहीं होता। कब से कर रहे हैं सोलर का काम? सोलर का काम करीब 1.5 साल से कर रहा हूँ मैं। 1.5 साल से कर रहे हैं आप? अपना काम खुद कर लेते हैं? हाँ सर, अपना कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। तो यहाँ पे भी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया है? दरभंगा में बेसिकली पहला काम। अच्छा, आपका पहला काम है, तो पहली बार आप दरभंगा विजिट किए? दरभंगा में पहले। कैसा लगा आपको दरभंगा? अच्छी सिटी है सर, जैसा सोचा था वैसा नहीं है, जैसा बोलते हैं बिहार के बारे में वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खाली लोग बाहर बिहार को बहुत बदनाम किए हुए हैं। बदनाम नहीं, ऐसे बोलते हैं कि काफी पिछड़ा हुआ वो है। काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग सुन रहे हैं बिहार के बारे में जो बाहर के लोग सोचते हैं वो आप अब सामने देख सकते हैं। जो ये भाई साहब पहले जो सोच के आए थे वो ऐसा कुछ इनको मिला नहीं। काफी डेवलपमेंट आपको नजर आया? अभी हो रही भी है। अभी हो भी रही है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने सुन लिया कि बिहार के बारे में लोग बाहर में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बिहार आने के बाद ये सचफहमी जो है वो दूर हो जाती है। तो आप वीडियो में बने रहें। हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं और अभी बाजार समिति पे हैं। सोचा यहाँ पे थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए और साथ में समोसा भी खा लिया जाए। काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 घंटे लग गया हमको वहाँ पे। और व्यास क्या खाना चाह रहा है यहाँ पर? बस यहाँ पे चाय पियेंगे हम लोग, कुछ नाश्ता कर लेंगे। अच्छा, चाय वाय पी के यहाँ से निकलेंगे, फिर आपको निकलेंगे। तो यहाँ से चाय वाय पी के निकलते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या सब बातें हुई वहाँ पे, सारी बातें शेयर करेंगे आपके साथ। वापस घर आ चुका हूँ, वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका था, चाय और समोसा खाया हम लोगों ने वहाँ पे। और वहाँ से अभी जस्ट घर पे पहुँच रहा हूँ, यानी कि अपने घर के बाहर हूँ, अभी घर के अंदर नहीं गया। तो मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि वहाँ मुझे किसी से मिलना था, किसी ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी एम्स का बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, तो वही वर्क देखने के लिए बुलाया था। हो सकता है मैं भी उसमें ज्वाइन करूँ, बात हो गई है। अब कुछ अब डिसीजन एक दो रोज़ में आ जाएगा, तो हो सकता है मैं भी DMCH में ज्वाइन करूँगा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में। कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल का काम है। तो वीडियो को बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो गाइज, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच।